चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ स्पेशल बनाते हैं खाने में, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। और आप सभी को यह ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सबको मैंने कल दिखाया था बुहार भाजी, छत्तीसगढ़ के सबसे महंगा भाजी है ये, इसको मैं बनाऊंगी आज, तो बने रहिएगा ब्लॉग में। कैसे बनाती हूँ देखिएगा। तो इसको अच्छे से साफ करने के बाद पानी में डुबा दी हूँ थोड़ी देर के लिए, अगर इसमें कुछ गंदगी रहेगा तो निकलेगा ऐसे करके। तो अब इसके लिए फिर और कुछ मसाले तैयार करते हैं। देखिए मैं टमाटर और प्याज को भी निकाल ली हूँ, और प्याज को इसी तरीके से हमको काट लेना है लंबा लंबा, और ये टमाटर और कुछ नहीं लगेगा। और इसको खट्टा में बनाना है मही से, छाछ दही जो भी हो आप लोग के पास उससे, तो बने रहिए फ्रेंड्स। इसमें हम लोग चना दाल डालेंगे, इसीलिए चना दाल और पानी को थोड़ा हमको उबाल लेना है। दाल को थोड़ा मैं भिंगा दी थी, लेकिन इसको उबालेंगे तो थोड़ा और अच्छे से हो जाएगा, इसीलिए अब इसमें हम अब इसको तो फ्रेंड्स कढ़ाई चढ़ा दी हूँ। अब इसमें मैं ऑयल डालती हूँ, तो देखिए इसमें ऑयल डाल दी हूँ मैं, और ऑयल को अच्छे से गर्म होने दूंगी। फिर ये प्याज है और टमाटर, सिर्फ यही चीज़ें बस लगेगी, तो प्याज को पहले हम लोग डालेंगे। तो तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब मैं इसमें और इसको भूनते हैं थोड़ी देर के लिए। चलिए फिर प्याज हो गया है, तो उसमें मैं टमाटर डाल देती हूँ, और टमाटर को हम लोग ढक के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि वो अच्छे से गल जाए। उसके बाद उसमें मैं नमक डाल दूंगी, और नमक डालने के बाद फिर थोड़ी देर पकाना है। देखिए तो हमारा टमाटर अच्छे से हो गया है। अब इसमें हम लोग मसाले डालेंगे, तो इसमें ज़्यादा कुछ मसाला नहीं लगता है, सिर्फ हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर और कुछ भी नहीं लगेगा। तो बुहार भाजी की रेसिपी इसी तरीके से बनती है, एकदम आसान है। अब इसमें मैं मही डाल दी हूँ, या दही जो भी है आप लोग के पास वो डाल दिए। उसके बाद उसमें 2 गिलास पानी डाल दी हूँ। इसमें अच्छे से पानी डालना है क्योंकि भाजी को पकने में टाइम लगता है, इसीलिए। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी देर और फिर सब्जी बन जाएगा। तो देखिए इसका कलर कैसे चेंज हो गया है, इसको थोड़ा टाइम लगता है पकने के लिए, इसीलिए अभी तक बन ही रहा है। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी बन गया है, कैसे लग रहा है आप सब बताइएगा मुझे। देखने में तो एकदम ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। ये है छत्तीसगढ़ का सबसे महंगा भाजी, बुहार भाजी, जो कि खट्टा में बनता है और टमाटर के साथ ही बनता है, लेकिन ये इसको दही के साथ बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, मैं तैयार हो गई हूँ, और आज हम लोग सिलाई सेंटर में होली खेलने वाले हैं, तो बने रहिएगा ब्लॉग में, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर हम लोग गुलाल लेने के लिए रुके हैं, थोड़ा सा रोड में सामान आया हुआ है, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं सिलाई सेंटर आ गई हूँ, अब होली की तैयारी हो रही है, तो बने रहिएगा ब्लॉग में और देखिएगा कि हम लोग कैसे होली खेलते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग सरस्वती माता की पूजा कर लेते हैं, ये हमारा डेली का है, लेकिन यहाँ पास को आज हम लोग थोड़ा साफ किए हुए हैं। अब चलिए हम लोग आरती कर लेते हैं। शरण अवधान रे दा सरस्वती सर सुशोभित ज्ञान दे दा। तो फ्रेंड्स, यहाँ का होली तो इस टाइप से हुआ है। हम लोग बॉक्स लगा रहे थे, बट थोड़ा देर चला फिर बॉक्स ख़राब हो गया, इसीलिए हम लोग डांस वैंस नहीं कर पाए, मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई हूँ। हैप्पी होली। और ये है मेरी कमीनी फ्रेंड। तो फ्रेंड्स, अभी जस्ट मैं घर आई हूँ, और देखिए मैं तो मुंह धो ली हूँ अच्छे से, तो अभी से कलर नहीं गया है, और हाथ का तो देखो मस्त होली है। तो मेरा तो होली सिलाई सेंटर का हो गया है, अब घर में कैसे मनाते हैं देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वहां से आने के बाद मैं थोड़ा आराम करी हूँ, उसके बाद फिर से लग गए होली के तैयारियों में। तो होली के लिए मेरे घर में क्या बन रहा है देखिए। ये है नमकीन, लेकिन ये मीठा वाला बन रहा है, मीठा वाला नमकीन बन रहा है। और क्या बनाएंगे आगे मम्मी बताएगी होली के दिन, बाकी अभी इसी को बना रहे हैं। ये
देखिए बन गया मीठा नमकीन। अब इसको हम थोड़ी बाद में और दिखाऊंगी, तब थोड़ा और चेंज हो जाएगा इसका। तो देखिए नमकीन बनाने के बाद मैं कुछ और बनाऊंगी, तो उसके लिए मैं सब्जी बना रही हूँ और इधर चाय भी बैठा दी हूँ, शाम हो गई थी तो चाय बन गया है, फिर मैं चाय पी लेती हूँ। और इधर मैं छोले मटर वाली सब्जी बना रही हूँ और समोसा बनाएंगे तो उसके लिए लगेगा, इसीलिए मैं बना रही हूँ शाम को। तो इधर देखिए मैं छोले चना बना रही हूँ और इधर है समोसा की तैयारी। तो ये आलू पनीर और प्याज है और ये है मैदा जिसको मैं समोसा के लिए तैयार करके रखी हूँ। अब हम लोग समोसा बनाएंगे आज शाम को, तो इसको मैं अभी बना रही हूँ और साथ में ये चाय रेडी है, तो पहले चाय पी लेते हैं। तो देखिए मैं इधर चाय पीने के बाद समोसा बनाने के लिए लग गई हूँ। तो समोसा बनाना इतना मुश्किल भी नहीं है, तो देखिए मैं कितना सारा भी बना ली हूँ और ट्राई करने में क्या है। तो मैं आज ट्राई करके देखी हूँ और बहुत अच्छा समोसा बना था। और होली के लिए तो यही सब अच्छा है, समोसा गुजिया सबके घरों में बनता ही है, तो आप सभी भी एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा। तो इधर समोसा तला रहा है और इधर ये बन गया है मटर, देखिए इतना ये बाकी है। देखिए फ्रेंड्स समोसा बन गया, कड़ी मेहनत के बाद सफलता समोसा बन गया और शाम भी हो गया है, शाम के 5 बज गए हैं, तो समोसा पार्टी शाम का। तो देखिए छोटू सा समोसा अभी खा लेते हैं।